सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसकेपी टेक्निकल में। लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए कमाल की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट में शॉपिंग की थी, मेरा आइटम डिफेक्टिव मैंने निकला, मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब मुझे रिफ़ंड कब मिलेगा? मेरा एड्रेस सेव नहीं हो रहा है, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मेरा पार्सल कहाँ पे है, मुझे कोई अदर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कस्टमर केयर से बात करनी है, पर मैं करूँ कैसे? दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या जो मैंने बोला उसमें से आपकी प्रॉब्लम ना हो कि कोई अदर हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए है आपको और आप कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अमेज़ॉन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके कस्टमर केयर्स आपको खुद ही कॉल करेंगे विद इन वन मिनट के अंदर, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज इसी टॉपिक में नया सीख लेते हैं, बहुत ही इजी स्टेप तरीका। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पर हर बार की तरह ज़ोर से लाइक बटन बस दबा ही दो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालो, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की घंटी बजाए। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के हैं शौकीन, तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही होगी, और प्रॉब्लम जब आती है तो आप क्या करते हैं? उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं? कस्टमर केयर के पीछे भागते हैं कि कस्टमर केयर से हमारी बात हो तो हमारी प्रॉब्लम को फॉल्ट आउट करके उसका सॉल्यूशन निकाले। दोस्तों, कस्टमर केयर से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ये चीज़ अमेज़ॉन में आम पब्लिक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में क्वेश्चंस भी किए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ जाऊं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट दोनों जगह अलग अलग वीडियो बनाने में ना तो मैं आपका टाइम बर्बाद करूँगा ना अपना, अमेज़न और फ्लिपकार्ट में आप दोनों ही में कस्टमर केयर को कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाई कॉल, ठीक है, चैटिंग भी कर सकते हैं, कॉल भी, जो आपका मर्जी करे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि मैं अगर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, फ्रेंड्स, आपको एक नए विंडो में अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन कर लेना है। आप इसको सिंपल सा मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर में हैं तो ट्यूटोरियल देखिए, मोबाइल में है तो भी आप इसको कर सकते हैं दोनों जगह। दोस्तों, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे आप सबसे नीचे यहाँ पे हेल्प अस हेल्प यू के नीचे देख रहे होंगे, सबसे नीचे हेल्प का ऑप्शन बना हुआ है जो मैंने मार्क किया है, हेल्प के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट विंडो में आप देखेंगे सबसे नीचे डिजिटल सर्विस एंड डिवाइस सपोर्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, और पूछ रहा है कि आप किस वजह से कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, सीधा स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। यहाँ लिखा है टॉक टू एन एसोसिएट्स, तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चैट राइट नाउ और कॉल मी। दोस्तों, आप इनसे चैट भी कर सकते हैं, कॉल में भी कर सकते हैं, तो कॉल में पे मैं क्लिक कर देता हूं क्योंकि मुझे इनसे कॉल पे बात करनी है, ठीक है दोस्तों, तो कॉल में के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि आप किसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं अपने रिकॉर्डिंग ऑर्डर के, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहां पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस वजह से आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं रिफ़ंड के रिकॉर्डिंग इनसे बात करना चाहता हूं, आपका जो भी हो वो सेलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, अब नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्यों रिफ़ंड करना चाहते हैं, क्या आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव था या टूटा फूटा था, तो आप, मैं यहाँ पे अपने रिफ़ंड का स्टेटस जानना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि आप कस्टमर केयर से किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश, जैसे काफ़ी सारी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, तो मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ, आप जो भी लैंग्वेज चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद फ़ोन पे क्लिक सिलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि जो नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर है, क्या आप उसी पर से कस्टमर से बात करना चाहते हैं या कोई और नंबर, तो जैसे कि मैं उस नंबर पर नहीं, कोई और नंबर पर करना चाहता हूँ, तो मैं वो नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, नंबर हाइड करने के लिए इमेज लगाई गई है। इसके बाद कॉल मी के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो दोस्तों कॉल रिंगिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर रिंगिंग बजना शुरू हो गया है। तो अब दोस्तों, मुझे इनसे बात करनी नहीं है, इसलिए मैं कॉल को डिसकनेक्ट कर देता हूँ, आपको कॉल रिसीव करके इनको अपनी प्रॉब्लम बता देनी है, ये वो नंबर है जिससे कॉल आया था। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं किनारे पे लिखा हुआ कॉल रिंगिंग, लेकिन अब कॉल कट कर दिया है मैंने, तो अब यहाँ पे स्टेटस बदल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कॉल एंडेड। तो फ्रेंड्स, अब हम
आ गए हैं अमेज़ोन को छोड़ के फ़्लिपकार्ट पे। दोस्तों फ़्लिपकार्ट में कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना बहुत ही ईजी रहता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में हैं तो आप माई प्रोफाइल के ऑप्शन में जा सकते हैं, और इसके बाद आपको कंप्यूटर में है तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। दोनों तरह एक ही ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं हेल्प वगैरह के। तो यहाँ लास्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया गया है, तो इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो टेलीफोन का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों ये इनका रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर है, मैंने मार्क कर दिया है। तो इस नंबर पर अगर आप इनको कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी बात जो है इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से होगी, और आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, वो 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आपको देंगे। इस नंबर को नोट करके रख लीजिएगा, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। और दोस्तों तो ये नंबर पे आप उनसे कॉन्टेक्ट आसानी से कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही दोस्तों उस कमेंट के जरिए मैं ये अंदाज़ा लगा पाता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करने में कितने परसेंट तक सक्सेस हुआ और कितना अभी और कमी रहेगी। मान लीजिए कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, अगली वीडियो में मैं आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगा, या हो सकेगा तो मैं कमेंट में ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।